वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, होंडा, रेनॉल्ट जैसे टॉप कार निर्माता कंपनी अगले 6 महीने में भारत में कुछ एक्सक्लूसिव कार लॉन्च करने जा रहे हैं। कंपनी ने अपनी नई कारों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, तो जो लोग इन टॉप ब्रांड की एक एक्सक्लूसिव कार खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम अपकमिंग 10 लेटेस्ट मॉडल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल कार के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिक कार भी शामिल हैं। इन कारों में से कुछ कारें 2022 के अंत तक और कुछ 2023 के बीच तक भारत में लॉन्च होंगी। टॉप कारों की लिस्ट में लो से मीडियम रेंज की कारें शामिल हैं, जो आपको अपने बजट के अनुसार कार चुनने का मौका दे रही हैं। वीडियो में हम आने वाली सभी कारों के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक पर है 5-डोर महिंद्रा थार। दोस्तों, अपकमिंग 5-डोर महिंद्रा थार को चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। गाड़ी स्कॉर्पियो एनके प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसे थार के लंबे व्हील बेस और बेहतर राइडिंग परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा बदलाव किया जाएगा। गाड़ी का जो भी जासूसी वीडियो सामने आया है, उसमें 5-डोर थार में एक एडिशनल डोर नजर आ रही थी। गाड़ी 3-रो सीट में आ सकती है। कार का फ्रंट और बैक प्रोफाइल SUV के 3 डोर वाले वर्जन के साथ समानताएं होंगी, जिसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और LED टेल लाइट शामिल होगा। कंपनी 5-डोर महिंद्रा थार को सर्कुलर हाइलोजन प्रोजेक्टर के साथ पेश कर सकती है। दोस्तों, मौजूदा महिंद्रा थार और नई 5-डोर थार में ये अंतर है कि 5-डोर थार मौजूदा थार की तुलना में थोड़ी लंबी होगी और कार के पीछे एक पैसेंजर के लिए अधिक जगह और कंफर्ट प्रदान करेगी। पावर ट्रेन की बात करें तो 5-डोर महिंद्रा थार को मौजूदा थार और स्कॉर्पियो एन के समान 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा, जिन्हें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जाएगा। कीमत की बात करें तो आने वाली 5-डोर महिंद्रा थार 15 लाख में भारत में सेल होने की उम्मीद है और ये एक्सक्लूसिव मॉडल 2023 के बीच में भारत में लॉन्च होगा। दोस्तों, नई 5-डोर महिंद्रा थार का अपकमिंग मारुति सुजुकी जिमी 5-डोर और फोर्स गोरखा से टक्कर हो सकती है। नंबर दो पर है 2023 रेनॉल्ट डस्टा। दोस्तों, रेनॉल्ट इंडिया जल्द ही एक नया XUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। गाड़ी का निर्माण शुरू हो गया है। अपकमिंग रेनॉल्ट डस्टा नए CMFB आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी पॉपुलर SUV डस्टर के निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कंपनी अपनी नई SUV को 2023 रेनॉल्ट डस्टर मॉडल में लॉन्च कर रही है। आने वाली रेनॉल्ट डस्टर के फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी एक नए शानदार लुक और डिजाइन में आ रही है, जिसे इंटीरियर में कोई अपडेट फीचर्स मिल सकता है। केबिन में पुराने मॉडल के 7-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बजाय एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा कार में एक इंक्लाइनोमीटर, मल्टी व्यू कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मिरर, 3.5-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक हेडलाइट, क्रूज कंट्रोल आदि जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है। पावर ट्रेन में नई रेनॉल्ट डस्टर में 48V हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है, जो कि 130 BHP का मैक्सिमम पावर आउटपुट जनरेट करेगा। इसके अलावा गाड़ी में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है। कीमत की बात करें तो नई रेनॉल्ट डस्टर को आप 15 से 18 लाख के बीच में खरीद सकते हैं। रेनॉल्ट का ये लेटेस्ट SUV मॉडल अगस्त 2023 में भारत में लॉन्च होगा। नंबर तीन पर है निसान टेरा। दोस्तों, अपकमिंग निसान टेरा एक फुल साइज 7-सीटर SUV कार है, जो मैस्कुलिन लुक में काफी अग्रेसिव है। गाड़ी की लंबाई 4885 mm, चौड़ाई 1865 mm और ऊंचाई 1835 mm है। इसका व्हील बेस 2850 mm है। पावर ट्रेन की बात करें तो अपकमिंग निसान टेरा में 2.3 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा, जो कि 190 BHP का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 450 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 7-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से जोड़ा जाएगा। कीमत की बात करें तो नई निसान टेरा को आप 35 से 40 लाख रुपए के बीच में खरीद सकते हैं। ये शानदार SUV 2023 के अंत में भारत में लॉन्च होगी। दोस्तों, आने वाली निसान टेरा का फॉर्च्यूनर और ग्लोस्टर मुकाबला होने की संभावना है। नंबर चार पर है ह्युंडई एल्कैज़र फेसलिफ्ट। दोस्तों, जासूसी फोटोज में फेसलिफ्ट में क्रोम स्ट्रिप के साथ ट्विक्ड फ्रंट ग्रिल और नए वेन्यू जैसे क्रोम एलिमेंट दिखाई देते हैं। प्रोफाइल में SUV को सेम अलॉय व्हील से डिजाइन किया गया है, लेकिन रनिंग बोर्ड्स को साइड स्किड प्लेट में बदल दिया गया है। कंपनी नई एल्कैज़र के इंटीरियर डिजाइन में थोड़ा बदलाव कर सकती है, जिसमें कि डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, 64 कलर, एम्बियंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैरानोमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ मल्टीपल एयरबैग, फ्रंट और रिवर्सिंग कैमरास, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे लेटेस्ट फीचर को शामिल किया जाएगा। पावर ट्रेन में ह्युंडई फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल के 2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल के साथ पेश किया जाएगा।
पेट्रोल इंजन 159 पीएस का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 191 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है, जबकि डीजल इंजन 115 पीएस का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 250 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। दोनों इंजनों को 6 स्पीड मैनुअल और एक ऑप्शनल 6 स्पीड ऑटोमेटिक यूनिट से जोड़ा जाएगा। कीमत की बात करें तो हुंडई एल्कज़ार में है 16 लाख में उपलब्ध होगी। हुंडई का ये लेटेस्ट एसयूवी 2023 के बीच में भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। दोस्तों, आने वाली हुंडई के एमजी हेक्टर प्लस, टाटा सफारी और महिंद्रा एक्सयूवी 700 से टक्कर हो सकती है। नंबर 5 पर है महिंद्रा एक्सयूवी 400 ईवी। दोस्तों, महिंद्रा ने सितंबर के सेकंड वीक में नई एक्सयूवी 400 इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठाने की बात की पुष्टि कर दी है। ये कार एक्सयूवी 300 का ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन है। कंपनी ने कार को 4.2 मीटर की पेशकश के रूप में रखने का फैसला किया है, जो कि एक्सयूवी 300 से बड़ा होगा। आने वाली एक्सयूवी 400 व्हाइट कलर में बेहद अट्रैक्टिव लुक में नजर आई है। कार एक स्टाइलिश डिजाइन में आती है, जिसके फ्रंट प्रोफाइल को एक ट्विग्ड बम्पर मिलता है और रियर प्रोफाइल में मस्कुलर बूट लिड और एक बेफलर रियर बम्पर मिलता है। अपकमिंग एक्सयूवी 400 ईवी के बैटरी पैक की बात करें तो कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को कई बैटरी पैक विकल्प के साथ पेश कर सकती है, जो 450 किलोमीटर की रेंज प्रदान करने में सक्षम होगी और मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा 150 bhp। कीमत की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि नई महिंद्रा एक्सयूवी 400 15 से 18 लाख की रेंज में उपलब्ध होगी। महिंद्रा की ये लेटेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी जनवरी 2023 में भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। दोस्तों, अपकमिंग महिंद्रा एक्सयूवी 400 का टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम और एक्स नेक्सॉन ईवी मैक्स से टक्कर हो सकती है। नंबर 6 पर है 2022 रेनॉल्ट अरकाना हाइब्रिड एसयूवी। दोस्तों, हाल ही में रेनॉल्ट अरकाना को चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था, जिसमें ये एसयूवी रेड कलर में बेहद अग्रेसिव लुक में नजर आई थी। अपकमिंग रेनॉल्ट अरकाना की डेमिनेशन की बात करें तो गाड़ी की लंबाई 4545 mm, चौड़ाई 1820 mm और ऊंचाई 1565 है। लंबाई में नई अरकाना जीप कंपास से थोड़ी लंबी है और टाटा हैरियर से थोड़ी छोटी है। गाड़ी का व्हील बेस 2721 mm है। पावर ट्रेन की बात करें तो कंपनी कार की सेल के देश के आधार पर नई रेनॉल्ट अरकाना को नई पावर ट्रेन विकल्प प्रदान करेगी। गाड़ी को ईटेक हाइब्रिड और माइल हाइब्रिड टेक पैक के साथ पेश किया जाता है। हालांकि अरकाना पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पावर ट्रेन 1.3 लीटर पेट्रोल मोटर है। कीमत की बात करें तो अपकमिंग रेनॉल्ट अरकाना की शुरुआती कीमत होगी 12 लाख, जो कि 15 लाख तक जा सकती है। रेनॉल्ट का ये लेटेस्ट एसयूवी मॉडल फरवरी 2023 में भारत में लॉन्च होगा। दोस्तों, 2022 रेनॉल्ट अरकाना का एमजी हेक्टर और टाटा हैरियर से मुकाबला होने की संभावना है। नंबर 7 पर है 2023 सीआरवी हाइब्रिड एसयूवी। दोस्तों, होंडा अपनी 6RV हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 5th जनरेशन की सीआरवी के बजाय हल्की मैच्योर डिजाइन लैंग्वेज है, जो काफी शानदार है और मैस्कुलर है। रिफ्लेक्टर हाउसिंग में स्लीक LED हेडलाइट्स और एक दूसरे हाइलोजन ग्रिल इस एसयूवी को अधिक प्रीमियम कार बनाते हैं। टेल लाइट में प्रीमियम दिखने वाले लेड एलिमेंट हैं, जो कि वोल्वो के टेल लाइट डिजाइन से प्रेरित प्रतीत होते हैं। अपकमिंग होंडा पुरानी सीआरवी से 2.7 इंच लंबी है और व्हील बेस भी 1.6 इंच लंबा है। होंडा 6 जनरेशन के इंटीरियर की बात करें तो इसे न्यू होंडा सिविक जैसा ही रखा गया है। गाड़ी का पूरी तरह से ऑल ब्लैक या डुअल टोन फिनिश में आता है। फीचर्स की बात करें तो 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9 इंच का फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, 15W वायरलेस चार्जिंग आदि मिलेगा। नई होंडा को 4 वेरियंट EX, EXL, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट ट्यूरिंग के विकल्प में पेश किया जाएगा। पावर ट्रेन की बात करें तो EX और EXL वेरिएंट को 1.5 लीटर IVTC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 190 hp का पावर आउटपुट और 243 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टॉप दो स्पोर्ट और स्पोर्ट टॉरिक वेरिएंट को 2.0 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेश किया जाएगा, जो 250 hp का पावर आउटपुट और 335 nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। हाइब्रिड वेरिएंट को 18.1 kWh का एक पावर पुल बैटरी पैक मिलता है, जो कि 68 किलोमीटर की रेंज प्रदान करेगा। कीमत की बात करें तो नई होंडा सीआरवी को 32 से 35 लाख के बीच खरीदा जा सकता है। नई होंडा सीआरवी हाइब्रिड 2023 के बीच में भारत में लॉन्च होगी। नंबर 8 पर है 2023 सिट्रॉन C3 अक्रॉस SUV। दोस्तों, नई सिट्रॉन C3
अक्रॉस की जो की जासूसी फोटो सामने आई है उनमें कार ऑरेंज और व्हाइट डुअल कलर टोन पर नजर आ रही थी। ये मॉडल ग्लोबल मॉड्यूलर CMP प्लेटफॉर्म की EV रेडी और लोकलाइज्ड वर्जन पर आधारित सिट्रॉन की सबसे छोटी SUV होगी। फीचर्स की बात करें तो नेसेट्रॉन C3 EV मॉडल को C3 के अधिक प्रीमियम वर्जन के रूप में रखा जा सकता है, जिसमें ऑटो AC रियर वाइपर और वॉशर रियर डिफ्यूजर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMS क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। पावर ट्रेन के मामले में सिट्रॉन C3 में 50 kWh का हाई क्वालिटी बैटरी पैक मिलता है जो कि सिंगल चार्ज पर 362 किलोमीटर की रेंज प्रदान करेगा। कीमत की बात करें तो नई सिट्रॉन C3 इलेक्ट्रिक SUV को आप महज 13 लाख में खरीद सकते हैं। 2023 सिट्रॉन C3 इस साल के दिसंबर यानी कि 2022 में डेब्यू करेगा और भारत में अप्रैल 2023 में लॉन्च होगी। दोस्तों, सिट्रॉन C3 के इस लेटेस्ट मॉडल का नेक्सॉन EV प्राइम और MG ZS EV से टक्कर होने की संभावना है। नंबर 9 पर है टाटा सफारी फेसलिफ्ट। दोस्तों, नई टाटा सफारी को हाल ही में स्पॉट किया गया है जिसमें कार को कई अपडेटेड फीचर्स में देखा गया है। कार के फ्रंट में क्रोम सराउंड्स के साथ एक ट्विक्ड ग्रिल है। LED DRL में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। हेडलाइट क्लस्टर में भी थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के साथ 18 इंच अलॉय व्हील्स को जारी रखा जाएगा। गाड़ी में टेल लाइट का एक नया सेट भी मिल सकता है। इसके अलावा नई सवारी फेसलिफ्ट में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ग्रिल के अंदर एडास सेंसर और नया टी लोगो मिल सकता है। पावर ट्रेन में नई टाटा सफारी को मौजूदा मॉडल में 2.0 LFCA सोर्स टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जाएगा। कीमत की बात करें तो नई टाटा सफारी फेसलिफ्ट 17-24 लाख के बीच भारत में सेल होगी। लॉन्च डेट की बात करें तो 2023 ऑटो एक्सपो में सफारी की इस लेटेस्ट मॉडल से पर्दा उठेगा। नंबर 10 पर है Hyundai Ioniq 5। दोस्तों, अपकमिंग Hyundai Ioniq 5 को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। ये इलेक्ट्रिक कार है जो कि Hyundai ग्रुप के EGMP प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन ये लोकली अपने मॉडल को इकट्ठा करेगी। पावर ट्रेन की बात करें तो कंपनी ने Ioniq 5 में ग्लोबली मार्केट के लिए 383 किलोमीटर रेंज प्रदान करने वाला 58 kWh और 506 किलोमीटर रेंज प्रदान करने वाला 77.4 kWh का दो बैटरी पैक देगी। लेकिन खबरों के मुताबिक कंपनी इसे भारत में 58 kWh बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश कर सकती है। कीमत की बात करें तो Hyundai Ioniq 5 मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए थोड़ी टाइट हो सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत होगी 40 लाख और जो 45 लाख तक जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो Hyundai की ये लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार 2023 के बीच में भारत में लॉन्च होगी। दोस्तों, नई Ioniq 5 का किया EV6 और मिनी कॉपर SE से टक्कर हो सकती है। तो दोस्तों, अपकमिंग एक्सक्लूसिव कारों में से आप कौन सी कार खरीदना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट कारों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई कारों की अपडेट के साथ में।